Hello, welcome to my channel Mathematics Makes Maths Easy. Today we will study class 7 chapter 15 Visualizing Solid Shapes exercise 15.1 All Questions Solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 15.1. First question कहता है identify the nets which can be used to make cubes. यहाँ पे कुछ nets दिया हुआ है हमको और पूछता है कि क्या हम इन दिए हुए nets का use करके क्यूब्स को बना सकते हैं. आइए देखिए, ये है एक्सरसाइज 15.1. क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यहाँ पे एक हमको दिया हुआ है नेट का फिगर और पूछता है कि क्या हम लोग इस दिए हुए नेट के फिगर से क्यूब को फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने एक क्यूब फिगर को ड्रॉ किया है और यहाँ जो नेट है इस नेट को हम लोग इस क्यूब फिगर के साथ मिला के चेक करेंगे कि क्या ये क्यूब फिगर बन रहा है कि नहीं. सबसे पहले हमको जो चीज देखना है वो है इस क्यूब का बैक साइड. ये बैक साइड पहले हमको निकालना है. तो यहाँ पे देखिए, इस दिए हुए फिगर में मैंने इस बॉक्स को ले लिया है बैक साइड. तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले क्यूब फिगर में बैक साइड को पकड़ लें, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा बैक साइड, जो इस क्यूब का पीछे वाला साइड है यानी कि बैक वाला साइड है. ओके, बैक के राइट में क्या है, ये देखिए ये राइट है. अगर ये बैक है तो फिर ये बैक का राइट क्या हो जाएगा, ये वाला साइड राइट हो जाएगा. उसके बाद देखिए, इसके बाद और सामने देखिए क्या है. अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं यानी कि ये बैक था, तो हम लोग यहाँ से राइट बढ़े तो ये बॉक्स आया, फिर यहाँ से राइट बढ़े तो क्या होगा, ये सामने वाला बॉक्स आएगा यानी कि ये फ्रंट आ गया. और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा, ये वाला बॉक्स आएगा यानी कि लेफ्ट हो गया. ओके, यानी कि बैक, फिर राइट, फ्रंट और लेफ्ट, ये चारों बॉक्स हमको मिल गया. अब बैक के ऊपर एक बॉक्स है, यानी कि अगर ये बैक है तो बैक के ऊपर क्या होता है, टॉप. तो देखिए, अगर ये बैक है तो ऊपर वाला हो गया टॉप, तो ये मेरा टॉप आ गया, ये टॉप है. तो टॉप के साथ क्या है, देखिए टॉप के साथ एक और बॉक्स है. तो देखिए, अगर ये टॉप है तो टॉप के साथ कौन सा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, यानी कि ये वाला हो गया फ्रंट वाला बॉक्स. तो यहाँ तो हम लोग को फ्रंट वाला बॉक्स पहले ही मिल चुका था, तो यहाँ पे फिर से अगर फ्रंट वाला बॉक्स आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो दिया हुआ नेट है इससे क्यूब नहीं बनेगा, कैनॉट बी फोल्डेड एज क्यूब. ये है हम लोग के पास सेकंड फिगर. यहाँ पे हमको कहता है कि दिया हुआ जो मेरे पास नेट है उससे हमको बनाना है क्यूब, क्या बनेगा, आइए चेक करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इस वाले बॉक्स को पकड़ लिया है बैक, यानी कि ये वाला जो क्यूब हमको दिया है, तो इस क्यूब को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये बैक वाला जो बॉक्स है उसको पकड़ लेना है. ये हम लोगों ने पकड़ लिया बैक. अगर ये बैक है, देखिए ये बैक के नीचे है ये वाला बॉक्स, तो बैक के नीचे क्या होगा, बैक के नीचे मेरा हो गया ये वाला बॉक्स, ये आ गया. फिर ये जो बॉक्स है इसके राइट में दो बॉक्स है, यानी कि अगर ये मेरा बैक के नीचे वाला बॉक्स है तो ये वाला इसके राइट में दो बॉक्स. राइट मतलब क्या हो जाएगा, एक हो गया ये वाला बॉक्स और फिर इसके राइट में मतलब ये वाला बॉक्स, यानी कि मेरे पास ये बैक का एक बॉक्स आ गया, उसके बाद मेरे पास नीचे का एक, फिर राइट का एक और फिर इसके राइट का एक, यानी कि ये चार बॉक्स मेरे पास आ गया. अब यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए अगर ये बैक है तो बैक के लेफ्ट में एक बॉक्स है. तो ये बैक है तो बैक का लेफ्ट क्या होगा, अगर ये बैक है तो बैक का लेफ्ट मेरा हो गया ये वाला. देखिए अगर ये बैक का लेफ्ट वाला हो गया और बोलता है कि ये लेफ्ट वाला जो बॉक्स है, ये लेफ्ट वाला बॉक्स के लेफ्ट में एक और बॉक्स है, तो ये अगर लेफ्ट वाला बॉक्स है बैक का, तो इसके लेफ्ट में फिर क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट में मतलब सिर्फ सामने आ जाएगा यानी कि फ्रंट वाला बॉक्स हो जाएगा. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 बॉक्स जो है ये वाला क्यूब में फिट हो गया है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कैन बी फोल्डेड एज क्यूब, दिया हुआ जो नेट है उससे हम लोग क्यूब को बना सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट फिगर क्या बोलता है. ये है फिगर नंबर 3, जहाँ पे हमको एक नेट दिया हुआ है और इस नेट से हमको निकालना है कि ये स्क्वायर बॉक्स में बन, और इस नेट से हमको चेक करना है कि इससे स्क्वायर बॉक्स बनेगा कि नहीं.
सबसे पहले ये दिए हुए नेट्स में से हम लोग एक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम दे देंगे बैक, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा एक स्क्वायर बॉक्स का बैक वाला साइड। अगर ये बैक है तो देखिए इसके नीचे एक बॉक्स, तो बैक यानी कि ये वाला, तो इसके नीचे वाला बॉक्स कौन सा हो गया, ये वाला बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि जो नीचे वाला बॉक्स है उसके राइट में भी एक बॉक्स, तो नीचे वाला बॉक्स अगर ये है तो इसका राइट में क्या हो गया, ये वाला बॉक्स हो गया। अब देखिए ये बैक है तो बैक के लेफ्ट में एक बॉक्स खोलता है, तो ये बैक है तो बैक के लेफ्ट बॉक्स कौन सा हो गया, बैक का लेफ्ट बॉक्स मतलब ये वाला हो गया। ओके, अब लेफ्ट जो बॉक्स है उसके ऊपर भी एक बॉक्स, यानी कि ये लेफ्ट वाला बॉक्स है इसके ऊपर, तो लेफ्ट वाला बॉक्स के ऊपर कौन सा बॉक्स हो गया, ये वाला, यानी कि ये वाला हो गया। अब ये जो बॉक्स है इसके साइड में एक भी बॉक्स, तो ये ऊपर वाला बॉक्स के साइड में, यानी कि ऊपर वाला बॉक्स का साइड कौन सा हो गया, देखिए ये जो ऊपर वाला बॉक्स है उसका साइड हो गया है मेरा ये सामने वाला बॉक्स। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से 6 का 6 बॉक्स मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि कैन बी फोल्डेड एज क्यूब। ये है फिगर नंबर 4। यहाँ पे कुछ नेट दिया हुआ है हमको और पूछता है कि इन दिए हुए नेट से हम लोग क्यूब बना सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है ये जो नेट, उसमें हमको सिलेक्ट कर लेना है बैक, ये हम लोगों ने इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया बैक, यानी कि ये वाला बन गया मेरा। इस बॉक्स में देखिए जो बी है वो हो गया है मेरा बैक। ध्यान से देखिए यहाँ पे बैक के ऊपर में एक बॉक्स है और नीचे में एक बॉक्स, यानी कि अगर ये बैक है तो बैक के ऊपर वाला बॉक्स कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला बॉक्स कौन सा हो गया, ये नीचे वाला। ओके, अब देखिए बैक के राइट में एक बॉक्स बोलता है, तो ये बैक है तो बैक के राइट में कौन सा बॉक्स हो गया, ये वाला बॉक्स। बैक के लेफ्ट में एक बॉक्स है तो बैक का लेफ्ट में बॉक्स कौन सा हो गया, ये वाला बॉक्स। अब बोलता है कि जो लेफ्ट वाला बॉक्स है उसका भी लेफ्ट में एक बॉक्स, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है लेफ्ट में, तो अगर ये बैक है तो बैक के लेफ्ट में आ गया ये वाला बॉक्स, और उसका भी लेफ्ट में कौन सा आ जाएगा, यानी कि सामने वाला बॉक्स। इस तरीके से हम लोगों का 6 बॉक्स कवर हो गया इस क्यूब में। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया हुआ जो नेट है उससे हम लोग क्यूब को बना सकते हैं, कैन बी फोल्डेड एज क्यूब। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ जो नेट है उससे हम लोग क्यूब को बना सकते हैं कि नहीं, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बैक वाला साइड को सिलेक्ट कर लेंगे, समझिए कि ये मेरा बैक है, तो बैक यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लिए। देखिए बैक के लेफ्ट में एक बॉक्स है, देखिए तो ये बैक है तो बैक का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला बैक का लेफ्ट हो गया, और बैक के राइट में 2 बॉक्स है। देखिए अगर ये बैक है तो बैक का राइट हो गया मतलब ये वाला, और इसका भी राइट मतलब हो गया ये सामने वाला, यानी कि मेरे पास बैक के साथ साथ उसका एक लेफ्ट बॉक्स और 2 राइट बॉक्स हमको मिल गया। ठीक है, अब बैक के नीचे में एक बॉक्स बोलता है, यानी कि बैक का नीचे वाला कौन सा हो गया, ये नीचे वाला ये हो गया, और यहाँ पे बोलता है कि नीचे वाला जो बॉक्स है उसके भी साथ में एक बॉक्स है, यानी कि नीचे वाला अगर बॉक्स है तो नीचे वाला के बॉक्स के बाद वाला बॉक्स कौन सा होगा, ये सामने वाला बॉक्स। ठीक है, लेकिन सामने वाला बॉक्स तो पहले ही मेरे पास आ चुका था यहाँ से, इसलिए ये जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स ओवरलैप हो जा रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ से यानी कि इस वाले नेट से हम लोग क्यूब को फॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, कैनॉट बी फोल्डेड एज क्यूब। ये क्यूब के हिसाब से हम लोग इसको फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है वो ओवरलैप हो जा रहा है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है ये फिगर और बोलता है कि क्या हम लोग इसे क्यूब को बना सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक साइड को हम बैक सिलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर ये वाला मेरा बैक साइड है तो देखेंगे कि यहाँ से क्या हम लोग इसमें क्यूब को बना सकते हैं कि नहीं। अगर ये बैक है, देखिए बैक के लेफ्ट में एक बॉक्स है, तो बैक का लेफ्ट में ये, तो बैक का लेफ्ट यानी कि ये वाला साइड हो गया। अब बैक के राइट में एक बॉक्स है और उसके राइट में भी एक बॉक्स है, यानी कि बैक का राइट क्या हो गया, ये वाला बॉक्स, और इसका भी राइट मतलब सामने वाला बॉक्स, यानी कि ये 4 बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है, बोलता है बैक के नीचे एक बॉक्स है, चलिए ये वाला बैक है तो बैक का नीचे एक बॉक्स हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि जो बैक के राइट में जो बॉक्स था यानी कि ये वाला बॉक्स, तो इस बॉक्स के साथ में ऊपर में एक बॉक्स है, यानी कि ये वाला साइड के ऊपर, यानी कि ये वाला बॉक्स, यानी कि मेरा ये एक क्यूब का 6 का जैसे
यानी कि मेरा ये जो क्यूब था उसका 6 साइड मेरा कवर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला मेरा जो नेट है इससे हम लोग क्यूब को बना सकते हैं, कैन बी फोल्डेड एज क्यूब। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है डाइस आर क्यूब विद डॉट्स ऑन ईच फेस, ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम, हेयर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस क्यूब्स, द नंबर्स इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। यानी कि यहाँ पे 2 नेट दिया हुआ है और यहाँ पे हमको कहता है कि जो नंबर इस बॉक्स में दिया हुआ है उसका मतलब है नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि ये 4 है तो मतलब इस बॉक्स में मेरे पास ऐसा 4 डॉट्स होगा डाइस के हिसाब से। ठीक है, इंसर्ट सुटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक रिमेम्बरिंग दैट द नंबर ऑन द ऑपोजिट फेस शुड टोटल टू 7। यहाँ पे हमको ये बॉक्स दिया हुआ है जो कि क्यूब के फॉर्म में है और हमको कहता है कि ऑपोजिट बॉक्स में हमको ऐसा नंबर फिल करना है जिसमें कि मेरा जो टोटल है 2 बॉक्स का वो मिला के मेरे पास 7 आना चाहिए। क्वेश्चन में बोलता है कि 2 बॉक्स है मेरे पास, दोनों बॉक्स को ऐड करने से मेरे पास आंसर 7 आना चाहिए। ओके, तो कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। कहता है ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स। तो देखिए, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमको ये फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 4, 5, 6। तो अगर ये 4, 5, 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका दूसरा फिगर क्या होगा, यानी कि हमको क्वेश्चन में बोलता है कि एक जो डाइस होता है उसका 2 ऑपोजिट जो फेस होता है, 2 ऑपोजिट फेस को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों को मिला के मेरे पास जो नंबर होगा वो आना चाहिए 7। तो देखिए, अगर ये 4 है, ठीक है, तो 4 में हम कितना ऐड करेंगे कि 7 आएगा, 4 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 4 का जो ऑपोजिट होगा वो ये वाला बॉक्स होगा। ओके, अब ये है मेरे पास 5 में कितना ऐड करेंगे कि 7 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसका मतलब कि ये जो 2 वाला बॉक्स है वो ऑपोजिट है ये 5 वाला बॉक्स का। अब यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 6, तो ये नंबर 6 है तो 6+1 करने से 7 आता है, तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये जो 6 वाला बॉक्स है इसका ऑपोजिट वाला बॉक्स मेरा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट बॉक्स पता कर सकते हैं कि किसका ऑपोजिट बॉक्स क्या होगा। नंबर 2, यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, 2 और 3। अगर 1, 2, 3 हमको पता है तो हमको ये भी मालूम है कि 2 बॉक्स को ऐड करने से 7 आएगा, तो यहाँ पे अगर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या है 6, तो इसका मतलब ये जो 6 है वो हो गया है 1 का ऑपोजिट। अगर ये 3 है तो 7 कैसे बनेगा, 3+4, तो देखिए 3 और 4 मेरा हो गया है ऑपोजिट। अगर ये 2 है तो 7 कैसे बनेगा, 2+5 करने से बनेगा 7, तो ये मेरा हो गया है 5 और 2 और 5 मेरा हो जाता है ऑपोजिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई, यहाँ पे एक नेट दिया हुआ है, पूछता है कि क्या ये नेट मेरा डाई बन सकता है, आइए चेक करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे एक फिगर को यानी कि एक बॉक्स को अगर हम लोग बैक पकड़ लेते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम लोग इससे एक डाई को बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये वाला जो बैक साइड है इसको हम लोग 3 पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे इसके पास में क्या है, 3 के साइड में है मेरा 4, ये 3 है तो 3 के राइट साइड में क्या हो गया 4, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा 4। ओके, अब देखिए 4 के नीचे में बोलता है 5, तो ये 4 है तो 4 के नीचे यानी कि ये 4 का नीचे वाला क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला ये मेरा हो गया 5। अगर ये 4 हो गया तो नीचे वाला हो गया 5, तो बोलता है कि 5 के साइड में, तो 5 का साइड क्या हो गया, 5 का साइड हो गया मेरा 6। तो अगर ये 5 है तो 5 का साइड मेरा हो गया है 6, तो 5 का साइड क्या हो गया, देखिए ये वाला 5 का साइड हो गया यानी कि ये वाला हो गया है 6। ठीक है, तो हमको 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया और 6 मिल गया।
अब बोलता है 3 के ऊपर में है 2, तो ये 3 है, तो 3 के ऊपर में क्या है 2, तो ये वाला हो गया है मेरा 2, ओके। अब 2 के साइड में बोलता है, तो 2 के साइड में है मेरा 1, तो 2 का साइड देखिए 2 के लेफ्ट में है ये, अगर ये 2 है ऊपर वाला तो उसका लेफ्ट क्या है 1, तो देखिए अगर ये 2 ऊपर वाला तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट मतलब हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला तो मेरा पहले से ही 6 है, ये 1 हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से 6 आ चुका है, इसलिए यहाँ पे मेरा आंसर होगा नो। सो द गिवन नेट कैनॉट फॉर्म ए डाई, दिया हुआ नेट से हम लोग डाई को फॉर्म नहीं कर सकते, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है हेयर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग ए क्यूब। यहाँ पे हमको 3 नेट दिया हुआ है, 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 नेट हमको दिया हुआ है और बोलता है इसे क्यूब बनाने के लिए, तो हमको पता है कि ये क्यूब बनाने के लिए हमको मिनिमम 6 नेट्स का जरूरत पड़ता है। कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, रिमेम्बर दैट ए क्यूब हैज 6 फेसेस, हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हेयर, गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स, इफ यू लाइक यू मे यूज ए स्क्वायर शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन। यहाँ पे हमको 3 नेट दिया हुआ है और हमको अपने हिसाब से या अपने मन से एक्स्ट्रा 3 नेट यानी कि 4, 5 और 6 यानी कि एक्स्ट्रा 3 नेट हमको अपने मन से ऐड करना है और किसी भी 2 डिफरेंट टाइप से हमको 2 क्यूब बनाना है। कैसे होगा देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 4। टू फॉर्म ए क्यूब, एक क्यूब बनाने के लिए वी रिक्वायर 6 नेट्स बिकॉज ए क्यूब हैज 6 फेसेस, वी हैव बीन गिवन 3 नेट्स, हमको क्वेश्चन में 3 नेट्स दिया हुआ है, सो वी नीड टू एड 3 मोर नेट्स टू फॉर्म ए क्यूब। टू पॉसिबल वेज आर एज फॉलोज, ये वाला जो बॉक्स में जहाँ पे लाइन डाला हुआ है वो वाला है मेरा गिवन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो व्हाइट वाला बॉक्स है जिसमें कोई भी लाइन नहीं है वो हम लोगों ने एड किया है उसको, ओके। तो सपोज सबसे पहले हम लोग वो वाले बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 3 बॉक्स को हम लोग ड्रॉ कर लिए, तो इस 3 बॉक्स में अगर हम लोग ये वाला 3 बॉक्स को इस तरीके से ऐड कर देंगे तो ये मेरा एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर होगा वो ये वाला, सपोज ये 3 बॉक्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, तो इस 3 बॉक्स में अगर हम लोग ये एडिशनल 3 बॉक्स को ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से तो इससे भी मेरा एक क्यूब बन जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। यहाँ पे हमको कुछ नेट्स का फिगर दिया हुआ है और कुछ सॉलिड्स का फिगर दिया हुआ है, तो नेट्स के फिगर से हमको सॉलिड्स का फिगर को मैच करना है, ओके। देखिए कैसे होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ए का मेरा होगा आंसर 2। देखिए ये वाला है मेरे पास क्यूब, तो क्यूब कैसे बनेगा, हमको पता है क्यूब हम लोग ऐसे बना चुके हैं, तो ये वाला जो नेट है वो मेरा क्यूब का नेट, ओके। अब देखिए ये है नंबर बी, बी है मेरे पास सिलेंडर, तो देखिए यहाँ पे 2 सर्कल है, एक ऊपर में और एक नीचे में, है ना, सिलेंडर में 2 सर्कल होता है ऊपर नीचे, इसलिए देखिए ये वाला जो फिगर है वो मेरा हो गया है सिलेंडर का, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 सर्कल है ऊपर और नीचे। ये देखिए नंबर सी, ये है कोन, कोन में देखिए क्या है, कोन में मेरे पास एक ही सर्कल है नीचे में, ओके, और ऊपर क्या है, एक ट्रायंगल है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, इसका मतलब सी का आंसर मेरा हो जाएगा 4। अब नंबर डी देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है नीचे में और ऊपर में यहाँ पर 4 ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और सामने वाला 4 ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 1 में यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है और साथ में 4 ट्रायंगल है, तो ये वाला मेरा हो गया डी का 1, ए का 2, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया, ओके। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन to get new video updates.